बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं बना रही थी मखड़ी हलवा सूजी से बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने इसमें चाशनी बनाने के लिए मैंने 4 कप जो है चीनी के लिए हैं, और ये 1/2 kg से थोड़ी ही सी ऊपर सूजी है। इसको हम इस तरह पानी से खोल लेंगे। अगर आप चाहें तो आप दूध से भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं पानी से खोलूंगी। इसको हम अच्छे से खोलेंगे। साथ में हमारी चाशनी बन रही है। देखिए मैंने इतना सारा पानी डाला है, उसने जस्ट कर लिया। इसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं। ये देखिए, ये हमारी खुल गई है सूजी। और नट्स वगैरह मैंने कट कर लिए हैं। और अब मैं देखती हूँ कि उसे तीन इसमें इलायचियाँ जाएंगी। डालते हैं अगर आपके पास इलायची एसेंस है तो आप वो डाल दें। मैं इलायचियाँ डाल रही हूँ, तो खुशबू आनी चाहिए ना। ठीक है, फिर इसमें घी ऐड करते हैं। इसकी चाशनी बन गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा सा बचाया है। Thank you.
इसमें चाहती हूँ तो कलर चेक करूँगी कि किस कलर का होगा। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके जी इतनी डालेंगे, इसको हमें करना है मिक्स अच्छे से। ठीक हो गया, रखते हैं साइड पे और इसको हम करेंगे मिक्स। नॉर्मली बनने चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल स्मूथली बराबर चलाते जाओ। नट्स वगैरह भी ऐड कर दूँगी, बादाम है, नारियल है, ये मैंने डाल दिए। ये देखिए ना, एकदम ये ठीक होना शुरू हो गए, साथ लगना शुरू हो गए। तो इस स्टेज पे बराबर चम्मच लाती रहनी है ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बने, और इसको इतना पकाना है कि ये दाने दाने हो जाए। तो हिलाने का काम इसमें ज़्यादा है, थोड़ा तो सा घी इसमें और ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें घी कम है। ये मैंने इसमें घी डाल दिया। थोड़ी थोड़ी चम्मच हिलाए, इसमें साथ लगने शुरू हो गया। बाजू बहुत इसमें थकती है, तो मेक श्योर कि आपके पास दो लोग हों ताकि इसको हिलाएँ अच्छा सा, वरना इस तरह उस तरह का नहीं बनेगा दाने वाला। अगर आप चाहें तो इसको फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको पकाती हूँ जब तक तब तक ये दानेदार ना हो जाए, और फिर आपसे 10-15 मिनट बाद मिलती हूँ क्योंकि अभी तो इसमें बहुत पकना है और तभी इसकी शक्ल निकलेगी। अभी ये बिल्कुल कच्चा है। ये देखें इस तरह की शक्ल अभी इसकी निकली है, लेकिन अभी भी हमें इसको मज़ीद पकाना है क्योंकि ये बिल्कुल मट्टी हलवा जो होता है ना, ये बिल्कुल दानेदार होता है। तो इस तरह से इसको हिलाना काफ़ी मुश्किल हो गया मेरे लिए। ठीक है, इस तरह से हम इसको अच्छे से हिलाना।
जिस तरह ये पकता है इस तरह इसको हिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मेक श्योर इसको अच्छे से हिलाएं चारों साइडों से कि ये साथ ना लगे। और फूड कलर अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ऐड कर दें। मैं हल्का सा कलर इसमें ऐड करूँगी लेकिन अभी नहीं। अच्छा जी, हलवा हमारा ऑलमोस्ट बन गया है और फ्लेम में करूँगी ऑफ। और अब इस पर हम करेंगे दुआ, इसके बाद जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। फिर मान लाफ।